गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। जैसा कि कल हमने आपको वॉल्यूम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 की प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 बताया। आज हम प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ जाएंगे। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर × 15 मीटर × 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर फॉर ऑफ दिस टैंक लास्ट। कह रहा कि एक गांव जिसकी आबादी 4000 है, एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर पानी की जरूरत होती है। गांव में एक टैंक है जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। गांव में उस टैंक से कितने दिन पानी चलेगा। यहाँ पे देखिए टैंक की लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर, हाइट 6 मीटर है। हम टैंक की क्षमता यानी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH 20 × 15 × 6 यानी 1800 मीटर क्यूब। फिर वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन इज इक्वल टू 150 लीटर, एक आदमी को 150 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन इज इक्वल टू 150 × 4000 यानी ये आपका हो जाएगा 6 लाख लीटर। इसे हम मीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड करके चेंज कर लेंगे तो 600 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे टाइम से गांव वालों को कितने दिन पानी मिलेगा। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक बाय टोटल वाटर रिक्वायर्ड वन डे। कैपेसिटी ऑफ टैंक 1800 मीटर क्यूब बाय टोटल वाटर रिक्वायर्ड वन डे 600 मीटर क्यूब, डिवाइड करेंगे 3 डेज यानी 3 दिन पानी चलेगा। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। 7 छूट गया है, 7 हम बाद में बताएंगे। 8 देख लीजिए कि ये सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 cm इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक ठोस घन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसे 8 बराबर के घनों में आयतन 8 बराबर आयतन के घनों में काट लिया गया। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। नए क्यूब यानी छोटे क्यूबों का की साइड क्या होगी और उनके सरफेस एरियाज का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बाद में हम बताएंगे। बिग क्यूब की साइड 12 cm, स्मॉल क्यूब की साइड आपको मालूम करना है। वैल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ बिग क्यूब, क्योंकि बड़े वाले क्यूब को 8 छोटे क्यूब में काटा गया तो जो 8 क्यूब का वैल्यूम होगा छोटे क्यूब का वो बड़े क्यूब के वैल्यूम के इक्वल होगा। वैल्यूम ऑफ बिग क्यूब साइड का होल क्यूब, इसका साइड 12 दिया 12 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1728 cm³। अच्छा वैल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब क्या होगा, क्योंकि 8 स्मॉल क्यूब का वैल्यूम आया 1728 cm³, तो 1 का होगा 1728/8 यानी 216 cm³। और इसकी साइडें क्या होगी, साइड का होल क्यूब इज इक्वल टू 216, साइड इज इक्वल टू 6 यानी क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 6 cm। रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 × साइड का होल स्क्वायर / 6 × साइड का होल स्क्वायर। 6 कैंसिल हो जाएगा, बड़े वाले का क्यूब 12 × 12, छोटे का साइड जो है वो 6 × 6 है। 6 × 1 = 6 × 2 = 6 × 1 = 6 × 2 = 4 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि ये सॉलिड क्यूब आ क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि ए रिवर 3 meter deep and 40 meter wide इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन ए मिनट। मेरा एक नदी 3 meter गहरी 40 meter चौड़ी है जो 2 km प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। उस नदी से एक मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। हाइट जो दी है, डीप जो दी है 3 meter, ब्रेथ जो दी है वो 40 meter है, लेंथ जो होगा वो रेट ऑफ फ्लो होगा 2 km/h। इसे मीटर पर मिनट में हम चेंज कर लेंगे 2000/60 m/min यानी एक मिनट में 2000 meter की दूरी तय करेगी पानी, तो यही इसकी लेंथ होगी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो ये आपका हो जाएगा LBH, L की वैल्यू 2000/60 × 40, B की वैल्यू × 3H की वैल्यू, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 2 2 1 2 2 यानी 4000 m³।